नमस्ते बच्चों, जैसा कि हमने कल टॉपिक पढ़ा था अपने परागण के बारे में, परागण के दोनों प्रकार हमने पढ़ लिए थे, स्वपरागण परपरागण अच्छे से हमने, और आपने भी घर पे अच्छे से पढ़ा होगा। अगला आपने टॉपिक आता है निषेचन के बारे में। अब ध्यान रखना, हर चीज को अच्छे से पढ़ते चलें, अच्छे से समझते चलें। अगर आपने टॉपिक है वो निषेचन के बारे में। देखें, निषेचन क्या होता है? निषेचन की परिभाषा अगर बात करें तो नर व मादा युग्मकों के संयोजन या संलयन को निषेचन कहते हैं। नॉर्मली आप पढ़ते हैं कि नर युग्मक होता है, मादा युग्मक होते हैं। नर युग्मक शुक्राणु होते हैं, मादा युग्मक अंडाणु होते हैं। वो दोनों मिलते हैं तो युग्मक बनते हैं, और युग्मज बनते हैं, जायगोट बनते हैं। तो ये जो मिलना होता है इसी को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। तो नर व मादा युग्मकों का आपस में क्या होना? संयोजन होना या संलयन होना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो निषेचन की परिभाषा क्या हुई कि नर व मादा युग्मकों का संलयन या निषेचन, सॉरी संलयन या संयोजन ही क्या कहलाता है? आपका निषेचन कहलाता है। निषेचन की खोज किसने की थी? पादपों। पादपों में जो निषेचन की खोज की थी, वैज्ञानिक था स्टार्सबर्गर। उस स्टार्सबर्गर वैज्ञानिक ने क्या किया था कि लीलियम नामक पादप में, किसमें किया था? लीलियम नामक पादप में उसने क्या किया था? इस निषेचन की खोज की थी या अध्ययन किया था। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपके एक नंबर का क्वेश्चन होता है, ये एक नंबर आपको दिलाता है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि निषेचन की खोज किसने की या निषेचन की खोज का अध्ययन किसने किया। तो इसका अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम अध्ययन किया था स्टार्सबर्गर ने। किसमें किया था? लीलियम नामक पादप में किया था। स्टार्सबर्गर ने एक चीज और बताई थी, ठीक है, आपको याद होगा हमने पॉलीगोनम प्रकार का पादप किया था। पॉलीगोनम, पॉलीगोनम ने हमने क्या किया था कि 7 कोशिका 8 केंद्र की अवस्था, ठीक है। तो वो भी आपके किसने किया था? स्टार्सबर्गर ने किया था। तो स्टार्सबर्गर ने क्या किया? निषेचन की खोज की थी। निषेचन किसे कहते हैं? नर व मादा युग्मकों का आपस में क्या होना? संयोजन होना, संलयन कहलाना। इसका जो सबसे पहले अध्ययन किया था वो एक वैज्ञानिक था स्टार्सबर्गर, उसने अध्ययन किया था। किसमें किया था? लीलियम में। निषेचन की क्रिया किस तरह से होती है पादपों में? निषेचन की क्रिया के लिए दो चीजें जिम्मेदार होती है। पहला होता है कि पराग कणों का अंकुर, और दूसरा होता है कि पराग नलिका की वृद्धि, ठीक है। पराग कणों का अंकुरण क्या होता है? देखो, पराग कणों का अंकुरण क्या होता है? आप जानते हैं कि पराग कण क्या होते हैं कि पराग कोश के अंदर, यानी पुंकेसर, पुंकेसर के अंदर पराग कोश, पराग कोश के अंदर पराग कण, पराग कण का स्फुटन होता है, सॉरी पराग कोश का स्फुटन होता है। पराग कोश का स्फुटन होने से पराग कण क्या होते हैं? निकलते हैं, और परागकण निकल कर क्या करते हैं कि आपके मादा के व्रतिकागर पर जाते हैं। तो परागकण हवा के थ्रू उड़कर, चाहे आपके कीटों के थ्रू, किसी के भी माध्यम से क्या हुआ कि आपके मादा के व्रतिकागर पर आ गए। ये मादा का एक अंडक की स्ट्रक्चर है ना, ये किसकी स्ट्रक्चर है? आपके अंडक की। तो मादा के कहाँ पर आ गए? व्रतिकागर पर। ये परागकण उड़कर मादा के व्रतिकागर पर आ गए। अब मादा के व्रतिकागर पर जब आए तो मादा के व्रतिकागर पर क्या होता है कि कुछ वसा, रेजिन या शर्करा पाई जाती है। ये वसा, रेजिन, शर्करा क्या करती है कि जो पराग कण है उस पराग कण के अंकुरण के लिए क्या करती है कि माध्यम देती है। यानी पराग कण जब यहाँ आएगा तो उसको कुछ क्या चाहिए? पोषक पदार्थ चाहिए ताकि वो अंकुरित हो सके। तो अंकुरण होने के लिए क्या करता है कि ये जो व्रतिकागर है, इस व्रतिकागर पर क्या होता है कुछ वसा, रेजिन या शर्करा के कण क्या होते हैं? पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं इस पराग कण को क्या करते हैं? अंकुरण के लिए क्या करते हैं? माध्यम प्रदान करते हैं। पराग कण का एक चीज और होती है, पराग कण का अंकुरण काल। अंकुरण काल क्या होता है? ध्यान रखना कि जो पराग कण है जो व्रतिकागर पर पहुंच गए, पराग कण जब व्रतिकागर पर पहुंच गए, वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद में अंकुरण में उसको जितना समय लगता है वो क्या कहलाता है? आपका अंकुरण काल कहलाता है। अंकुरण तो क्या होगा?
लेकिन ध्यान रखें, एक तो अंकुरण होता है, अंकुरण काल होता है। अंकुरण तो क्या होता है कि परागकण जब तक पराग कोष के अंदर रहेंगे तभी उनमें क्या हो जाएगा कि आपका अंकुरण हो जाएगा, तो वो तो अंकुरण कहलाता है। अंकुरण काल क्या होगा कि जब परागकण मादा के वृत्तिकाग्र पर आएंगे, तो वृत्तिकाग्र पर आने के बाद में जैसे ही वो वृत्तिकाग्र पर आ गए गिर गए, उसके बाद में उसको अंकुरण में जितना समय लगेगा वो अंकुरण काल कहलाता है। तो ध्यान रखें, परागकण का वृत्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण के अंकुरण में लगने वाला समय ही क्या कहलाता है, अंकुरण काल कहलाता है। तो ध्यान रखें कि पहली चीज, परागकण हवा के थ्रू, कीटों के थ्रू, मनुष्य के थ्रू, कैसे भी किसी भी माध्यम से कहाँ पर आए, आपके मादा के अंडक के वृत्तिकाग्र पर आए। वृत्तिकाग्र पर क्या पाया जाता है, कुछ वसा, रेजिन या शर्करा के कण पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, परागकण को क्या करते हैं कि माध्यम प्रदान करते हैं ताकि वो अंकुरित हो सके। परागकण का अंकुरण काल क्या कहलाता है, परागकण का अंकुरण क्या कहलाता है कि परागकण जब मादा के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो परागकण के अंकुरण में लगने वाला जो समय होता है उसी समय को हम क्या कहते हैं, अंकुरण काल कहते हैं। ध्यान रखें कि परागकण जो होते हैं, अब आपके दिमाग में एक आता है कि सर एक परागकण आता है कि हजारों परागकण आते हैं, तो हजारों परागकण आते हैं, हजारों परागकण अंकुरित होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो परागकण है, उस परागकण में क्या होता है कि इस तरह से परागकण में क्या होता है कि एक जनन छिद्र पाया जाता है। आपको याद होगा हमने जब बात की थी, जनन छिद्र क्या करता है कि पराग नलिका का निर्माण करता है। ये आपके पराग नलिका है, ठीक है। अब बात आती है कि सर पराग नलिका एक होती है कि एक से ज्यादा भी हो सकती है, तो एक भी होती है, एक से ज्यादा भी होती है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि एक बीजपत्री पादप में जो परागकण है उसके अंदर एक जनन छिद्र पाया जाता है, और जो द्विबीजपत्री उसमें तीन पाया जाता है, तो तीन पाया जाता है तो तीन पराग नलिकाएं होगी। लेकिन तीनों पराग नलिकाओं में से केवल एक पराग नलिका जो है वही क्या होगी, रहेगी। तो पराग एक नलिके, एक ध्यान रखना कि बहुनलिके पराग कण भी पाए जाते हैं, यानी जिनके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं कि आपके पराग नलिकाएं पाई जाती है। उसका एग्जाम्पल जो है वो आपके लिए कुकरबिटेसी, कुकरबिटेसी आपके जो ककड़ी वगैरह होती हैं उनके अंदर पाया जाता है। उनके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे पराग नलिकाएं पाई जाती है, लेकिन इनमें से केवल एक ही पराग नलिका जो होती है वो क्या रहती है, सक्रिय रहती है। यानी इनमें ध्यान रखना है केवल एक पराग नलिका ही इसमें क्या रहती है, सक्रिय रहती है। क्या मेरी बात यहाँ तक समझ आई? अब ये जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका क्या करेगी कि आपके जो वृत्तिका है, ठीक है, ये तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, वृत्तिकाग्र, और दूसरा ये यहां से लेकर यहां तक का भाग क्या कहलाता है, वृत्तिका कहलाता है। तो ध्यान रखें कि पराग नलिका की जो लंबाई है वो आपके वृत्तिका पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, वृत्तिका पर निर्भर करती है। यानी पराग नलिका की जो लंबाई है वो पराग नलिका की लंबाई किस पर निर्भर करती है, आपके इस वृत्तिका पर निर्भर करती है। यानी वृत्तिका की लंबाई जितनी लंबी होगी पराग नलिका की लंबाई भी उतनी लंबी होगी। एक जाने का मक्का जो होता है, उस मक्का में लगभग 450 mm लंबी क्या पाई जाती है, पराग नलिका पाई जाती है। तो पराग नलिका की लंबाई किस पर निर्भर करती है, आपके वृत्तिका पर, ठीक है। अब वृत्तिका जो होती है वो वृत्तिकाएं तीन तरह की होती है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये जो वृत्तिका है क्या ये वृत्तिका जो है इसी तरह से खोखली होती है या भरी हुई रहती है या क्या होती है। तो ध्यान रखें कि ये अलग अलग तरीके से अलग अलग पादपों में होती है। तो हम पहले बात करते हैं लीलियम या राइबीज नामक पादप में। तो जो लीलियम है, ठीक है, इस लीलियम के अंदर क्या होता है कि ये जो होती है वो ठोस होती है। ये क्या होती है, ठोस होती है। शुरुआत में क्या होती है,
कि ये जो वृत्तिका है, ये वृत्तिका इस तरह से क्या होती है कि ठोस रहती है, ठीक है, लेकिन इसकी परतों से क्या होता है कि पेक्टिनेज, इसकी परतों से क्या होता है कि पेक्टिनेज एंजाइम का क्या होता है कि स्त्रावण होता है। तो पेक्टिनेज एंजाइम के स्त्रावण से क्या करता है कि ये जो भित्ति है, ये भित्ति यहाँ से क्या हो जाती है, गल जाती है, पिघल जाती है, और पिघलने कारण क्या होती है कि ये क्या हो जाती है कि खोखली हो जाती है। क्या हो जाती है? ये खोखली हो जाती है। क्या मेरी बात समझ आएगी? तो प्राग नलिका की वृद्धि में ध्यान रखना, पहला कि लीजिए वे राइबीज जो होते हैं कि उनमें ये ठोस होती है शुरुआत में, लेकिन इनकी भित्तियों से क्या होता है कि पेक्टिनेज एंजाइम का स्त्रावण होता है, और पेक्टिनेज एंजाइम के स्त्रावण होने से क्या होता है कि इसकी भित्तियां पिघल जाती है, ये क्या बन जाती है, खोखली बन जाती है। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं? सेकंड देखें, आइनोथेरा या जो पिटूनिया है, वो आइनोथेरा पिटूनिया में क्या होता है कि ये जो पराग कण है, ये न पराग सॉरी ये जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका क्या, और इसमें इस तरह से देखो क्या पाया जाता है कि कोशिकाएं पाई जाती है, हालांकि ये अर्ध ठोस होता है इस तरह से, ठीक है। तो इनमें क्या होती है, जो पराग नलिका है, ये पराग नलिका इनके जो अंतर कोशी के अवकाश हैं, इन अंतर कोशी के अवकाशों से होकर क्या होती है, गुजरती है। तो आयनोथेरा पिटूनिया में क्या होगा कि ये अर्ध ठोस होगा, इस तरह से क्या पाई जाएगी, आपके कोशिकाएं पाई जाएगी, इन कोशिकाओं में क्या होगा, अंतर कोशी के अवकाश होगा, उन्हीं अंतर कोशी के अवकाशों से क्या होती है, पराग नलिका क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। क्या मेरी बात समझ आई कि नहीं है? ठीक है, तो ये चीज होती है अपने निषेचन के बारे में। निषेचन क्या थी, देखो नर व मादा युग्मकों के संयोजन या संलयन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था, स्ट्रासबर्गर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने किया था, किसमें किया था, लीलियम में किया था, ठीक है। और जो निषेचन की क्रिया है, ये जो निषेचन की क्रिया है, ये निषेचन की क्रिया किस तरह से होती है, ध्यान रखें। तो निषेचन की क्रिया ध्यान रखने के दो तरह से, एक तो परागकणों का अंकुरण और दूसरा पराग नलिका की वृद्धि। तो इसको थोड़ा सा वापिस देखें आप अच्छे से। देखें ये आपका पराग कोष है ना, ये आपका क्या है कि पराग कोष है। पराग कोष के अंदर क्या बन गए, आपके लघु बीजाणु या पराग कण, ठीक है ना। और पराग कण जो था, वो पराग कण आपका किस तरह से था, ठीक है। इसमें एक तो आपके जनन नली का, एक आपके पाइक, एक आपके जनन नलिका और एक पाइक नलिका। उसके बाद ये पराग कण जो है, वो आपके इस पराग कणों का क्या होता है, परागण होता है, ठीक है। परागण दो तरह से, स्वपरागण और आपके परपरागण। ये परागण जो है वो आपके कहाँ जाएंगे, ये क्या कहलाता है, मादा का वृति काल है ना, ये कहलाता है वृति काल, और ये कहलाता है आपका अंडाशय, ठीक है। इस अंडाशय के अंदर आपका क्या पाया जाता है, भ्रूण कोष। क्या पाया जाता है आपका, बीजांड, बीजांड के अंदर आपका भ्रूण कोष, ठीक है। अब ये पराग कण उड़कर आया, उड़कर आपके क्या हो गया कि मादा के वृत्तिकाग्र पर गया, मादा के क्या गया, वृत्तिकाग्र पर गया। ये जो वृत्तिकाग्र है, इस वृत्तिकाग्र पर क्या होता है कि आपके वसा, रेजिन और शर्करा पाई जाती है,
ठीक है, जो क्या करती है कि अंकुरण में क्या करती है, अंकुरण में सहायता करती है, ठीक है। उसके बाद जब ये यहाँ पर आया तो इसको तुमने क्या कहा, ठीक है ना। अब ये यहाँ पर आने के बाद में इसका क्या होता है कि अंकुरण का, तो अंकुरण काल क्या होगा कि जब पराग का यहाँ से उड़कर मादा के वृत्ति कागर पर आ गई, कहाँ पर आ गया आपके मादा के वृत्ति कागर पर आ गई, वृत्ति कागर पर आने के बाद में उसमें जो उसको अंकुरण में जो समय लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, अंकुरण काल कहेंगे। यानी मादा के वृत्ति कागर में आने के बाद में पराग कणों के अंकुरण में लगने वाला समय जो होता है उसको क्या कहते हैं, अंकुरण काल कहते हैं। जो आपका पराग कण है, इस पराग कण के अंदर क्या होता है कि इस तरह से हम बात करें तो पराग कण इसको हम क्या कहते हैं, पराग नलिका। इसे हम क्या कहते हैं, पराग नलिका। पराग नलिका जो होती है वो एक होती है कि ज्यादा होती है, ज्यादा भी हो सकती है, ज्यादातर एक नली की होती है। लेकिन कुकरबिटेसी नामक पादपों में, कुकरबिटेसी में क्या होती है कि बहु नली की होती है। क्या होती है, बहु नली की होती है। किसमें, आपके कुकरबिटेसी नामक पादपों के अंदर ये क्या होती है, आपके एक बहु नली की होती है। लेकिन इनमें से केवल एक जो है वो एक ही क्या करती है कि अपने क्या होती है, काम आती है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपने पराग कणों का अंकुरण। पहला आपने क्या हो गया, पराग निषेचन में क्या हो गया, पराग कणों का अंकुरण। ये हमने पराग कणों का अंकुरण कर दिया। और पराग कणों का अंकुरण करने के बाद में क्या हो गया कि अब ये जो पराग कण है, ये पराग नली का यहां से होते हुए यहां तक जाएगी, तो जाएगी कैसे, तो ये जो भाग है ये क्या भाग कहलाता है, वृत्तिका। अब ये जो वृत्तिका है, ये वृत्तिका की लंबाई की बात करें या वृत्तिका की वृद्धि की बात करें, तो वृत्तिका की जो वृद्धि है या लंबाई है, ठीक है ना, ये क्या होती है कि आपके डिपेंड किस पे करती है, आपके जो पराग नलिका की जो लंबाई है वो आपके वृत्तिका पर निर्भर करती है। वृत्तिका की जितनी लंबी होगी पराग नलिका उतना ही क्या होगा, लंबा होगा। ये जो वृत्तिका वाला ये जो भाग है, ये भाग क्या होता है कि आपके कई पादपों में खोखला होता है, और कई पादपों में क्या होता है कि ये आपके क्या होता है कि अंतरकोशी का अवकाश होता है। तो वृत्तिका ध्यान रखना है कि जो आपके पिटूनिया है, ठीक है ना, उस पिटूनिया के अंदर क्या होता है कि ये खोखला होता है। हालांकि शुरुआत में ये खोखला नहीं होता है, ठोस होता है, लेकिन पेक्टिनेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है, इसको खोखला कर दिया जाता है। और यही आयनोथोरा, आयनोथेरा जो है उसके अंदर क्या होता है कि ये क्या होता है कि इनके अंदर कोशिकाएं जो होती है, उन कोशिकाओं में क्या होता है कि अंतर कोशी के क्या पाया जाता है, अवकाश पाया जाता है। उसी अंतर कोशी के अवकाश के कारण क्या होता है कि ये जो पराग नलिका है वो क्या करती है, इसके अंदर एंटर कर जाती है। तो ये चीज हमने आज पढ़ी थी निषेचन के बारे में। अगर निषेचन में पराग निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन का अध्ययन किसने किया था, स्टार्सबर्ग ने, लीलिया में किया था। निषेचन की क्रियाविधि पढ़ी, निषेचन कैसे होता है, निषेचन आपके एक तो आपके ये जो वर्तिकाग्र है पराग कणों का अंकुरण, और दूसरा आपके वर्तिका की वृद्धि, इन दो चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया था, बहु नलिके वगैरह सारा। तो इसको आप अच्छे से ध्यान से भी अच्छे से घर पे पढ़ें, आराम से पढ़ते रहें, और सभी चीजों को अच्छे से लेकर किताब में अच्छे से पढ़ें, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।